हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नए वीडियो के साथ। हम बात करते हैं राज्य और राज्य परिभाषा और तत्व। तो राज्य के लक्षणों का अध्ययन ना तो हीगल जैसी उपासना की भावना से और ना स्पेंसर जैसी तुच्छता की भावना से वरन यथार्थ की दृष्टि से किया जाना चाहिए। मैकाइवर ने यह बात बोली है। राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, इसमें प्रमुख रूप से राज्य का अध्ययन किया जाता है। अतः सबसे पहले हमें राज्य के अर्थ और रूप का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। आज राज्य शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है, जिनमें से कुछ अर्थ निश्चित रूप से भ्रामक हैं। उदाहरण के लिए, भारत तथा अमेरिका के संविधान में संघ की इकाइयों को राज्य कहा गया है, लेकिन राजनीति विज्ञान की दृष्टि से ये राज्य नहीं वरन राज्य की इकाइयाँ मात्र हैं। राजनीति विज्ञान में राज्य का प्रयोग विशिष्ट तथा वैज्ञानिक अर्थ में किया जाता है। इस रूप में ही हमारे द्वारा राज्य का अध्ययन किया जाएगा। राज्य की परिभाषा, एक स्थान पर मैकाइवर ने लिखा है कि यह आश्चर्य की बात है कि राज्य जैसे स्पष्ट शब्द की परिभाषाएँ विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से किए हैं। राज्य की परिभाषा के संबंध में इस प्रकार की विभिन्नताओं का कारण यह है कि राज्य के उद्देश्य और कार्यों के संबंध में विभिन्न समय पर अलग अलग मान्यताएं प्रचलित रही हैं। केवल इतना ही नहीं, समकालीन विचारकों द्वारा इस संबंध में अलग अलग विचार प्रकट किए गए हैं, व्यक्त किए गए हैं। प्रमुख रूप से अब तक जो परिभाषाएं की गई हैं उनका अध्ययन मोटे तौर पर प्राचीन और अर्वाचीन या प्राचीन या नवीन प्रकार के अर्वाचीन प्रकार के दो भागों में विभाजित किया गया जा सकता है। प्राचीन विचारकों के अनुसार राज्य के मुख्यतः दो लक्षण हैं। प्रथम, राज्य व्यक्तियों एवं समुदाय का भाग है, और द्वितीय, राज्य व्यक्तियों के सुख और लाभ के लिए निर्मित एक श्रेष्ठ समुदाय है। इस विचारधारा के आधार पर अरस्तु, सिसरो और सेंट अगस्टाइन ने राज्य की परिभाषा निम्न प्रकार की है। अरस्तु, राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। सिसरो कहता है, राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें वह भावना विद्वान हो, सब मनुष्यों को और समुदाय के लाभों का परस्पर साथ मिलकर उपयोग करना है। अरस्तु और सिसरो द्वारा की गई राज्य की ये परिभाषाएं कानूनी होने के पीछे नैतिक अधिक है। ये परिभाषाएं राज्य के उद्देश्य पर तो कुछ प्रकाश डालती हैं, किंतु राज्य के यथार्थ स्वरूप को स्पष्ट नहीं करती हैं। अर्वाचीन विचारक क्या कहते हैं? प्राचीन विचारकों द्वारा राज्य को मनुष्य के एक समुदाय के रूप में ही चित्रित किया गया है, लेकिन वर्तमान समय में विद्वानों का विचार है कि केवल व्यक्तियों से ही राज्य का निर्माण नहीं होता। राज्य का निर्माण करने के लिए नितांत आवश्यक है कि ये व्यक्ति भली प्रकार संगठित हों। इस प्रकार से संगठित जीवन व्यतीत करने के लिए व्यक्तियों को एक निश्चित क्षेत्र में रहना आवश्यक होता है। इन व्ययों के मध्य शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए कोई भी रास्ता भी होना चाहिए। राज्य के संबंध में इस संबंध की दृष्टि में रखने वाले विद्वान ब्लंडसली, वुड्रो विल्सन, स्लास्की आदि विचारकों द्वारा राज्य की परिभाषा इस प्रकार की गई है। ब्लंडसली, किसी निश्चित भूप्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। वुड्रो विल्सन क्या कहते हैं? राज्य एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत नियम या विधि के द्वारा संगठित लोगों का समाज है। लास्की क्या कहते हैं? राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है, जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सभी समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है। उपयुक्त परिभाषाओं में से कोई भी परिभाषा पूर्ण नहीं, क्योंकि ब्लंडसली और वुड्रो विल्सन की परिभाषा में तो संप्रभुता का उल्लेख किया ही नहीं गया है, जो कि वस्तुतः राज्य का प्राण है। लास्की की परिभाषा में संप्रभुता में उल्लेख किया हुआ है कि इसमें केवल आंतरिक संप्रभुता का ही विवेचन है, बाहरी संप्रभुता का नहीं। मान्य परिभाषा क्या है? अब तक राज्य की जो परिभाषा की गई है उनमें फिलिमोर, गिलक्राइस्ट और गार्डनर की परिभाषाएं ही श्रेष्ठ हैं। फिलमोन ने राज्य की परिभाषा देते हुए लिखा है कि राज्य मनुष्यों का वह समुदाय जो किसी निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से बसा हुआ हो।
जो एक सुव्यवस्थित सरकार द्वारा उस भूभाग में सीमा के अंतर्गत व्यक्तियों तथा पदार्थों पर पूरा नियंत्रण तथा प्रभुत्व रखता हो, जैसे विश्व के अन्य किसी भी राज्य से संधि या युद्ध करने अथवा अन्य किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो। गिल्ड्राइट राज्य उसे कहते हैं जहाँ कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में एक सरकार के अधीन संगठित होते हैं। यह सरकार आंतरिक मामलों में अपनी जनता की संप्रभुता को या प्रभुसत्ता को प्रकट करती है और बाहरी मामलों में अन्य सरकार से स्वतंत्र होती है। गार्नर राजनीति विज्ञान राज्य और सार्वजनिक कानून की धारणा के रूप में राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश में निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहता है, जो बाहरी नियंत्रण में से पूर्ण स्वतंत्र या लगभग स्वतंत्र हो, जिसका एक ऐसा संगठन शासन हो जिसके आदर्शों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभावता करता हो। फिल्मोर, गिलक्रेस्ट तथा गार्नर द्वारा दी गई परिभाषाएँ सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि इनमें राज्य के तत्वों, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता का स्पष्ट उल्लेख है। इन परिभाषाओं में आंतरिक बाहरी दोनों ही प्रकार की संप्रभुताओं का उल्लेख है, और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य की जो परिभाषाएँ दी गई हैं उसका प्रभुसत्ता संबंधी सार भी इन परिभाषाओं में आ गया है। अतः वर्तमान समय में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फिल्मोर, गिलक्रेस्ट और गार्नर द्वारा परिभाषाएँ मान्य हैं। तो ये राज्य की परिभाषा के संबंधित तथ्य हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।